आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक 25 बाई 35 का ग्राउंड फ्लोर प्लान समझा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए 35 फुट इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो 25 फुट की है। अब फ्रंट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाता है दोस्तों बीच में हमारा मेन डोर। बीच में हमने मेन डोर लिया है, फिर ये हमारी एक गैलरी आ जाती है और दूसरा हमारा यहाँ पर एक और फिर दूसरा यहाँ पर हमारा डोर लगेगा। तो एक डोर हमारा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं। अब फ्रंट साइड में ही हमने एक बेडरूम लिया है और दूसरा हमने एक शॉप ली है। शॉप की जो दोस्तों चौड़ाई ली है वो 8 फुट 6 इंच बाई 8 फुट 8 इंच की ली है और यहाँ पर आपका एक शटर आ जाएगा। और शटर लगने के बाद में उधर बेडरूम, अब जैसे ही हम इस डोर से एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको एक डोर मिलता है इस बेडरूम का, डोर 1, क्योंकि अटैच्ड हमने यहाँ पर जो हमारी वॉशरूम और बाथरूम है उसको अटैच्ड लिया है यहाँ पर। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो हमारा 10 फुट 6 इंच बाई 9 फुट का है और यहाँ पर फ्रंट साइड में आप विंडो जो है दोस्तों ले सकते हैं 6 बाई 4 की या 4 बाई 4 की आप विंडो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया इसी से लगा हुआ हमने यहाँ पर वॉशरूम और बाथरूम दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 फुट 10 इंच और 5 फुट 8 इंच है। और फिर यहाँ पर हमारा ये एक लॉबी एरिया आ जाता है और यहाँ पर हमारा आ जाती हैं दोस्तों स्टेयर्स, ये आ जाती हैं दोस्तों हमारी स्टेयर्स। स्टेयर्स का जो यहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर यहाँ से इसकी चढ़ाई होगी और यहाँ पर आपका एक स्टे आ जाएगा और स्टे के बाद में फिर यहाँ से आपका ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास जो आगे जगह बचती है वो है हमारी दोस्तों किचन, ओपन किचन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप ओपन किचन ले सकते हैं इतने एरिया में और यहाँ पर एक विंडो आपकी लग जाएगी और ये जो आपका आ जाएगा ये दोस्तों ये वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक पूरा पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद में जो इसकी किचन की और डाइनिंग, किचन और डाइनिंग एरिया हमारा दोस्तों ये पूरा हॉल बन जाता है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 फुट 6 इंच बाई 9 फुट की है। तो यहाँ पर तो आपकी किचन आ जाएगी, आप यू शेप या एल शेप में किचन ले सकते हैं और ये आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आप अपना डाइनिंग एरिया ले सकते हैं। उसके बाद में फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आपका आ जाता है दोस्तों एक और बेडरूम जो है 9 बाई 9 का, 9 फुट बाई 9 फुट का बेडरूम है जिसमें यहाँ पर एक डोर दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारी जगह बचती है 25 फुट में हमने एक बेडरूम यहाँ पर दिया है 10 फुट 6 इंच बाई 9 फुट का और सेम वैसा ही हमने यहाँ पर भी दिया है। दो बेडरूम सेम साइज़ के बनाए हैं लेकिन जो हमारा ये वाला बेडरूम है इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो दी है जो कि हमारा वेंटिलेशन पोर्शन है। यहाँ पर आपकी जो बाथरूम वॉशरूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी विंडो आपकी लग जाएगी और सेम यहाँ पर आपका जो बेडरूम इस कॉर्नर में आएगा तो उसका एक डोर तो यहाँ पर आपका बाहर की तरफ से हो जाएगा दूसरे बेडरूम से और एक डोर आपका मेन हो जाएगा और जो आपका दोस्तों विंडो आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आप दोस्तों विंडो ले सकते हैं। देखिए विंडो के मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पर आपको विंडो लेनी है। तो ये आ जाती हैं आपकी विंडोज़ और ये आपका वेंटिलेशन एरिया हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्लान है दोस्तों हमारा 25 बाई 35 फुट का है। इतने साइज़ में अगर आपका एरिया है तो कुछ इस तरह से आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए प्लान्स की जानकारी दोस्तों पाने के लिए आपके जो भी आपके पास आपके प्लॉट का जो भी साइज़ है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वैसा ही प्लान बना करके दे दिया जाएगा।